श्रद्धात्रेवाप योगो नामक 17वां अध्याय। इस अध्याय में 28 श्लोक हैं। श्लोक 1-6 तक श्रद्धा का और शास्त्र विपरीत घोर तप करने वालों का विषय बताया गया है। श्लोक 7-12 तक आहार, यज्ञ, तप और दान के पृथक पृथक भेद बताए गए हैं और श्लोक 23-28 तक ओम तत्सत के प्रयोग का व्याख्यान किया गया है। अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवी देवादिकों की पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी हो? क्या सात्विक है या राजसी है या तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की यह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसी तीनों प्रकार की हो सकती है। तू उसको मेरे से सुन। ये भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है तथा यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उनमें सात्विक पुरुषों को तो देवों से सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष तथा राक्षसों को पूजते हैं, और अन्य जो तामस मनुष्य हैं वो प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। और ये अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनोकल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त हैं, इन कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियों आदि को के रूप में परिणत हुए हैं, आकाश आदि 5 भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृष करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जा। और हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है, वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से जान। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले हैं रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार तथा भोजन करने से पदार्थ तो सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। और कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं, तथा जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त हो, वासी हो, उच्छिष्ट हो तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्रीय विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है ऐसे मानकर मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले बंदे से किया जाता है वह यज्ञ तो सात्विक। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दम्भाचारण के लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रख के किया जाता है वह यज्ञ को तू राजस समझ, तथा शास्त्र विधि से हीन होकर अन्न दान से रहित बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं।
तथा हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जन का पूजक इन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा और शरीर संबंधी तप कहा जाता है, तथा जो उद्वेग को न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निसंदेह वाणी संबंधी तप क्या है, तथा मन की प्रसन्नता और शांत स्वभाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को ना चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वक तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं, और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अर्थात केवल पाखंड के लिए ही किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। और जो तप मूढ़ता पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे के अनिष्ट करने वाले के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र के प्राप्त